हम अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सर्च बार में जाएंगे और टाइप करेंगे नोट पैड। नोट पैड को टाइप करेंगे, NOT टाइप कर लेते हैं, TEPAD। शायद एक आध वर्ड गलती हो गया होगा। देखिए ये रहा नोट पैड, तो नोट पैड को ओपन कर लेंगे। तो चलिए सिंपली इसको ओके करते हैं, उसके बाद इसमें टाइप करेंगे हम। तो चलिए टाइप करते हैं एम, इसमें टाइप करेंगे एम और डी, MD, एक बार स्पेस। उसके बाद देखिए टाइप करता हूँ जो फाइल बनाना है उसका नाम, तो अरविंद टाइप कर दिए। उसके बाद राजू कर लेते हैं। जो फाइल बनाना है एक फाइल का नाम लिखकर, उसके बाद बैक स्पेस फिर नेम, फिर बैक स्पेस फिर नेम। चलिए हम टाइप कर लेते हैं, बैक स्पेस देना ना भूलिएगा दोस्तों, नहीं तो नहीं बन पाएगा। चलिए लिख लेते हैं, टाइप कर लेते हैं। चलिए अब इससे फाइल पे जाएंगे, यहाँ फाइल का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए सेव एज पे जाएंगे, सेव एज पे जाने के बाद इसमें सर डेस्कटॉप पे करना है, फाइल चूज कर लिए। इसमें देखिए नाम कोई भी नाम दे सकते हैं, तो एक नाम दे दिए अरविंद, और डॉट लगाना ना भूलिएगा दोस्तों, .BAT। नाम लिखने के बाद .BAT लिख लेते हैं, .BAT। उसके बाद सिंपली हम सेव कर डालेंगे, सेव कर देंगे, सेव कर दिए। उसके बाद इसको काट देंगे, सिंपली काट दिए। अब देखिए एक चैन टाइप का आ चुका है हमारे यहाँ, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। डबल क्लिक करने पर देखिए डबल क्लिक किए, एक आ गया नीचे फाइल, देखिए अरविंद नाम से है। इसको क्लिक करेंगे, देखिए फाइल के अंदर एक फाइल है, फिर इसको क्लिक करेंगे, देखिए फिर फाइल के अंदर फाइल है, फिर इसको क्लिक किए, फिर फाइल के अंदर फाइल है, फिर इसको क्लिक किया। देखिए इसमें आप डाटा डाल सकते हैं, तो एक बार में आप, मैं तो इतना ही बनाया हूँ, आप चाहे चाहे जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।